जीतने वालों को मेरा सलाम। रोड टू वर्ल्ड कप सीरीज में अगला वीडियो युवराज सिंह के ऊपर रिसर्च करते करते उनकी किताब टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर पूरी पड़ गया। युवराज की कहानी को न वर्ल्ड कप के चश्मे से देखना चाहिए और न केवल बायोग्राफी की नजरों से। इनकी कहानी में तीन पहलू हैं, उनका बचपन, वर्ल्ड कप 2011 के पहले, वर्ल्ड कप के दौरान और कैंसर। और हमारा उद्देश्य केवल फैक्ट्स जानना नहीं होगा, उसके लिए तो काफी वीडियोस हैं। हम कुछ लेसन्स गहराई में देखेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिकल समझ विकसित हो, जो हम अपने कठिन समय के दौरान इस्तेमाल कर सकें। युवराज सिंह कहते हैं कि डैड हमेशा अपने जैसा बनाना चाहते थे, लंबा चौड़ा ताकतवर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। 1970 में जब योगराज खेलते थे तब ऐसे ही ऑलराउंडर की जरूरत हर टीम को होती थी। इंडियन टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह कपिल देव ने ले ली थी और इंटरनेशनल करियर न बनाने का फ्रस्ट्रेशन उनको हमेशा रहा होगा। इस फ्रस्ट्रेशन में आग नवजोत सिंह सिद्धू ने लगा दी। अपना बस्ता उठा और घर चल, अब मैं देखता हूं तू क्रिकेट कैसे नहीं खेलता। ये शब्द थे योगराज सिंह के, जिसे अभी अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला था कि आपका बेटा क्रिकेट के लिए नहीं बना है। उसके बाद योगराज युवराज के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन 10-11 साल के बच्चे को जो अपने पिता जैसा जिद्दी है उसमें इतनी समझ कहाँ होती है। पिताजी ने घर के पीछे का गार्डन हटाकर फ्लडलाइट्स लगा दी और मार्बल की पिच बना दी। सुबह शाम और रात को प्रैक्टिस शुरू हो गई। गीली टेनिस और प्लास्टिक की बॉलों से शॉर्ट पिच बॉलों की प्रैक्टिस होती। योगराज शॉर्ट बॉल्स के प्रति खासे ऑब्सेसिव थे। वे युवराज को एकेडमी ले जाते और बड़े लड़कों से बॉलिंग करवाते, वो भी बिना हेलमेट के। युवराज कहते हैं कि इन सालों में मैं टफ तो बन रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। क्रिकेट मजे या खेल से काम और संघर्ष बन गया था। मैं गुस्से, आंसुओं और फ्रस्ट्रेशन में उबलता रहता। उस समय योगराज के अंदर कुछ करने का जज्बा था। 10-11 साल के बच्चे के लिए वो सच में कठिन ट्रेनिंग थी। एक बार प्रैक्टिस करते समय बॉल युवराज के सिर पर पड़ी और वे वहीं बेहोश हो गए। उनकी दादी रोने लगी, इतनी कठिन प्रैक्टिस, क्या मेरे पोते को मार ही डालोगे। जिस पर योगराज सिंह कहते हैं, कोई नहीं, एक और पैदा कर लेंगे लेकिन इतिहास बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आया जो युवराज नहीं बताते कैसे आया। शायद उन्होंने अपने आसपास अच्छे प्लेयर्स को करियर बनाते देखा होगा। ये बदलाव युवराज की कहानी में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। युवराज कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि अगर मैं ये सब झेलता गया तो मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा। फिर धीरे धीरे जब युवराज को लोग उनके बल्ले से जानने लगे तब उनके लिए क्रिकेट की अहमियत और बढ़ गई। युवराज के बचपन में दूसरा पहलू था कि उनके पेरेंट्स में अक्सर झगड़े होते रहते और घर के माहौल से दिमाग हटाने के लिए क्रिकेट ही एक रास्ता था। लेकिन अभी युवराज को मैच्योर होना बाकी था। एक बार युवराज रणजी प्रैक्टिस मैच में बॉल हवा में मारकर 39 रन बनाकर आउट हो गए। जब योगराज को पता चला तो उन्होंने बोला कि यूवी को बोल देना घर में ना घुसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस दिन यूवी घर नहीं गए और रात एक कार में सोकर बिताई। 15 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया, जिसमें बतौर ओपनर 0 बनाया और एक कैच भी छोड़ा। युवराज कहते हैं कि मैं घर नहीं गया और टीम होटल में सैंडी पा के रूम में सो गया। बड़ी हिम्मत करके जब मैं घर गया तो सुबह न्यूज़पेपर में किसी सज्जन पत्रकार ने मुझे इंडिया गेट का नाम दिया था, क्योंकि बॉल मेरे पैरों के बीच से निकलकर विकेट पर लगी थी। युवराज कहते हैं कि पिताजी से कई लोग जलते थे और उनके गुस्से से डरते भी थे, इसलिए अक्सर लोग मुझसे हिसाब बराबर करते। यहाँ युवराज की मैच्योरिटी में दूसरा बड़ा बदलाव था। उनके ऊपर दो जगह से प्रेशर था, पिताजी का और बाहर तमाशबीनों का, जो युवराज के फेलियर को योगराज सिंह का फेलियर समझते। युवी कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगा। मैंने पिताजी के क्रिटिक्स को बल्ले से जवाब देना शुरू किया। जब लोग 50 बनाते तो मैं 150 बनाता, जब लोग 1 सेंचुरी बनाते तब मैं सीरीज में 3-4 बनाता।
युवराज की मैच्योरिटी का तीसरा पहलू है, बचपन में उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था लेकिन बाद में उन्हें अपने पिता का नेचर समझ में आने लगा। उन्होंने पिताजी के साथ अपने संबंध बनाए रखे। कई बार बचपन में हुई बातों के कारण ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें परिवार के लोग सालों तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। युवराज अपनी बचपन की ट्रेनिंग याद करते हुए कहते हैं कि अपने पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ब्रेटली और जेसन गिलेस्पी की शॉर्ट बॉल से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग आश्चर्य कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था मार्बल पिच, पिताजी की ट्रेनिंग और बिना हेलमेट की नेट प्रैक्टिस के बारे में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरा मौका युवराज को 1999 में मिला। उस समय टीम में केवल दो यंग प्लेयर्स थे, हरभजन सिंह और यूवी। वे कहते हैं कि यंग प्लेयर्स के लिए माहौल बड़ा नेगेटिव था। प्लेयर्स, कोच और मैनेजमेंट सब यंग लड़कों का कॉन्फिडेंस तोड़ने में लगे थे। कोई डराता था कि अगर कोच ने तुम्हें ऐसे मिसफील्डिंग करते देख लिया होता तो तेरा करियर आज ही खत्म हो जाता। कोई गलत सीख देता, तू यहां बड़े शॉट्स खेल रहा है, तुझे इंटरनेशनल में तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन सैंडी पा कहते थे, यूवी तू खेल, इन्हीं शॉट्स के कारण तू इंटरनेशनल खेलेगा। यहां युवराज को अच्छे सीनियर्स मिले, विक्रम राठौर, संदीप शर्मा और अमित शर्मा। उनके अलावा कोई सीनियर हमें टीम में नहीं चाहता था क्योंकि अगर यंगस्टर अच्छा खेलता है तो सबकी नजर उस पर जाती है। दोस्तों, एक बड़ा लेसन है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते हो तो पुराने लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, अधिकतर फ्रस्ट्रेशन की वजह से। उनसे निपटने का तरीका है कि आप अच्छे मेंटर, सीनियर्स और दोस्त ढूंढ लें, आपका सफर आसान हो जाएगा। फिर 1999 में युवराज ने कूच बिहार ट्रॉफी में बड़ी इनिंग्स खेली। उन्होंने 358 रन बनाए और इस इनिंग्स की बदौलत उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला। जब युवराज ने अपने पिताजी को बताया कि उन्होंने 358 रन बनाए हैं, तब योगराज बोलते हैं, तो फिर 400 क्यों नहीं बनाए? जब घर आए तो पिताजी ने उन्हें गाड़ी की चाबी दी। युवराज कहते हैं कि अब मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी का नेचर भी इंडियन फैंस की तरह एक्सट्रीम है। अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत 2000 में उन्होंने नैरोबी में ओडीआईज में डेब्यू किया, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग करते हुए 84 रन बनाए। उसके बाद युवराज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। युवराज कहते हैं कि 2009 और 2010 के आसपास मुझे कई इंजरीज हुई। पहले उंगली टूटी, फिर दूसरे हाथ की वही उंगली टूटी, फिर कलाई टूटी, हाथ फ्रैक्चर हुआ, गर्दन में सर्वाइकल में शिकायत हुई। इन सबको ठीक होने में काफी समय लगा। अब डॉक्टर कहते हैं कि शायद कैंसर के कारण शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही थी। युवराज कहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया रिस्ट ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना था। मैंने एक्सरे कराया जो मेडिकल वीजा के लिए कंपलसरी होता है। उस समय एक्सरे एकदम क्लियर था, कोई कैंसर नहीं था। खैर, अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा था और इंजरीज का सिलसिला रुक नहीं रहा था। मुझे खुद को फिर से तैयार करना था। दोस्तों, युवराज के वर्ल्ड कप की कहानी अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो रोड टू वर्ल्ड कप सीरीज जरूर देखिए, और हाँ, चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। हम प्रैक्टिकल मोटिवेशन, क्रिकेट और कई सारी बातें करते हैं। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।